कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा। तो लालू प्रसाद जी हर बार हारते हैं और हारने के बाद बैठक करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। केंद्रीय मंत्री पूर्व में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है और ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव के कहने से ना किसी की गिरफ्तारी होगी ना किसी को छोड़ा जाएगा। उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे ना, तो मजा लीजिए। ललन सिंह ने यह बयान दिया है आज और पटना में हमलावर दिखे ललन सिंह जब उनसे पूछा गया नीट मामले को लेकर, आरजेडी की समीक्षा बैठक को लेकर, तो ललन सिंह अपने अंदाज में उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला, तेजस्वी यादव पर हमला बोला। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, पहले वो सुनिए। वो तो जांच हो रही है और जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है और ये तथ्य भी सामने आया है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री थे उनके निजी सहायक के अनुशंसा पर उन लोगों को NH के गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। उसकी जांच हो रही है, जो कानूनी रूप से होगा वो कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी दोषी है तो सरकार आपकी यहाँ पे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? नहीं, जांच होगा तब ना। तेजस्वी जी के कहने से न किसी को गिरफ्तार किया जाएगा न किसी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जाँच होगी और तथ्य और साक्ष्य अगर मिलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई। उन्होंने कहा कि जब से वो PM बने हैं इस बार रेल दुर्घटना पेपर लीक केवल हो रहा है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई, तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। कौन? अरे तो लालू प्रसाद जी हर बार हारते हैं और हारने के बाद बैठक करते हैं, तो वह हारते रहे और बैठक करते रहे, ये उनका काम है, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है और न करेगी। अब वो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी अगर जरूरत होगी, समझेगी सरकार, उसकी समीक्षा करेगी राज्य सरकार, और अगर आवश्यकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार जाएगी, ये निर्णय राज्य सरकार को लेना है। तो सुन लिया आपने ललन सिंह को किस तरीके से हमला बोला है लालू यादव पर। कह रहे हैं कि लालू यादव हर बार हारते हैं और हार के बाद बैठक करते हैं, तो इसी तरह हारते रहें और बैठक करते रहें। वहीं जातिगत जनगणना के बाद जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने जिसे रद्द कर दिया, उसके ऊपर जब ललन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये तो राज्य सरकार निर्णय लेगी कि इसमें आगे अब क्या करना है, समीक्षा होगी और ज़रूरत पड़ेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार, और ये राज्य सरकार का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वहीं तेजस्वी यादव का जो नाम आ रहा है, तेजस्वी यादव के PA की संलिप्तता बताई जा रही है नीट पेपर लीक मामले में, उस पर भी ललन सिंह ने जमकर हमला बोला तेजस्वी यादव पर। और जब उनसे कहा, पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने तो कह दिया है कि आप सरकार आपकी है, आप अरेस्ट क्यों नहीं करते, तो फिर इस पर ललन सिंह ने कहा कि जांच हो रही है और जांच के बाद अरेस्ट अगर करना होगा तो अरेस्ट भी करेंगे, जांच होगी उसके बाद ही कुछ होगा, और तेजस्वी के कहने से ना किसी को अरेस्ट किया जाएगा ना किसी को छोड़ा जाएगा। तो बड़ा बयान उन्होंने आज दिया है और ललन सिंह जैसा कि अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपनी तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं, लोकसभा में जबरदस्त भाषण देते हैं, और जब मीडिया के सामने आज मुखातिब हुए तो जमकर उन्होंने हमला बोला RJD और तेजस्वी यादव और लालू यादव पर। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।